नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और ललन लोढ़ा आज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जब एक बार आपने अपना IRCTC का लॉगिन क्रिएट कर दिया है तो उसे एक्टिवेट किस तरह से करना है। IRCTC का जब आपने लॉगिन किया तो आपको लास्ट मैसेज आया कि आपका IRCTC का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जाकर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर दीजिए। तो आप जब उस लिंक पे जाएंगे, जैसे मैं अपने ऑफिशियल आईडी पे हूँ और ये मेरा यूजर आईडी और मेरा पासवर्ड दिया गया है, मेरे को यहाँ पे अपने क्लिक हियर टू एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉग इन। और यहाँ पे जो यूजर आईडी दिया था मैंने, उस यूजर ने आईडी को टाइप करना है और इधर पासवर्ड जो उसमें आया था, ठीक है, और लॉग इन पे क्लिक करना है। एक बार जब मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को मोबाइल वेरिफिकेशन कोड के बारे में पूछेगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक एक्टिफिकेशन लिंक आपके ईमेल आईडी पे जाता है और साथ ही साथ एक मोबाइल वेरिफिकेशन कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता है। तो वो मोबाइल का जो पासवर्ड है वो मेरे मोबाइल में आ चुका है, मैं उसे टाइप कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे अब ये बोल रहा है मेरे मोबाइल को वेरीफाई करने का, तो वो भी मैं मोबाइल को वेरीफाई कर लूंगा बाद में, लेकिन एक बार मैं इस लॉगिन में एंटर हो चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी टिकट बुक करना है, प्लान माई ट्रेवल में जा सकते हैं, क्विक बुक में जा सकते हैं, माई ट्रांजेक्शन में बुक टिकट लिख सकते हैं, प्रिंट ई टिकट ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं टिकट को, TDR फाइल कर सकते हैं, रिफंड स्टेटस जान सकते हैं। इस तरह के कई ऑप्शंस अब आपके सामने खुले हैं। अब आपको रेलवे की लंबी लाइनों में जाकर टिकट लेने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ करके अपनी रेलवे टिकट्स बुक कर सकते हैं और उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल से आप सभी लोगों को फायदा हुआ होगा। आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज जो कि www.facebook.com/lanvinlohra पे आके आपकी अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सर्विस टैक्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के बारे में हमें पोस्ट कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि हम आपकी किसी भी क्वेरीज का जवाब दे पाएं। तो अगले ट्यूटोरियल में मैं एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।